नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं ऐसा एक बैंक के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट उसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन पूरा नहीं, कुछ परसेंटेज इसमें सेल करना चाहते हैं। तो वो कौन सा बैंक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली IDBI बैंक। हाल ही में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसका स्टॉक PE देखेंगे तो 28.8 है, जो कि अच्छा है इसका रिजल्ट के अनुसार। तो पहले न्यूज़ को पहले आप देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया हुआ है। इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो देखिए क्वार्टर वाइज ये इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, तो ये अच्छा है। ओके, उसी हिसाब से आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, ये कंपनी, ये बैंक बहुत लॉसेस में था, इसका NPS भी बहुत अच्छा खासा था। तो इसमें ये कंपनी थोड़ा सा कंट्रोल में आया हुआ है और हाल ही में इसका देखिए कैसा इसका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो अभी बैंक धीरे धीरे सुधर रहा है। ओके, तो चलिए अभी आप बात करते हैं इसके ऊपर न्यूज़ क्या है। न्यूज़ एक्चुअली इसके ऊपर आप देखिए पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओके, जो मैं पहले बता चुका था। इसका जो मेन होल्डिंग है इंडियन गवर्नमेंट का है, तो ऑलमोस्ट 95% LIC और इंडियन गवर्नमेंट इसको होल्ड करते हैं। FIS के पास कितना है, 0.9% और DIS के पास 1.62 मार्च 2021 के अनुसार, और रिटेल इन्वेस्टर के पास है 3.58%। तो अभी क्या होगा, न्यूज़ ये है कि आपका प्रोमोटर्स मतलब इंडियन गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 5% उसका हिस्सेदारी घटा के ये ओपन कर देगा। तो FIS भी खरीद सकते हैं, DIS भी खरीद सकते हैं और पब्लिक भी खरीद सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को पैसे का ज़रूरत पड़ रहा है पैंडमिक के कारण, तो इसीलिए इसका स्टेक सेल कर रहा है। आगे ये सेल और भी बढ़ सकता है, उसका न्यूज़ बाद में आ सकता है। तो यही था एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ IDBI बैंक के ऊपर। इससे क्या होगा, बैंक के ऊपर क्या असर होगा पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। बैंक को ऊपर आपको फॉलो रखना चाहिए, इसका जो लगातार रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर फॉलो रखिए। अभी के कंडीशन में ये अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में कैसे करेगा वो आपका फ्यूचर ही बता पाएगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।